महंगाई पर चर्चा हो रही है, लोकसभा में इस वक्त कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा जो आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, महाराष्ट्र की सियासत से भी कहीं ना कहीं ये खबर जुड़ती हुई अब नजर आ रही है, वो ये कि संजय राउत की अब से कुछ ही देर में पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और दो बड़ी खबरें आपके सामने, थोड़ी देर में संजय राउत की पेशी और महंगाई पर चर्चा सदन में इस वक्त चल रही है। पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर, आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जो हास्यास्पद ये बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पर भी बढ़ा दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिससे मेरे मन को आहत हुआ, कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। किस तरह का मुल्क बना रहे हैं हम? क्या लोगों को बिल्कुल हम जमीन पर लेटा देना चाहते हैं? और इसीलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में ग्रस्तियां हैं, उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी, वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही में माननीय सभापति, हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। और आखिर में मैं एक पंजाबी के शायर की 3 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि पहला था मोछ दी लड़ाई ने मारत्या, दूजा यार दी जुदाई ने मारत्या, तीजा रब दी खुदाई ने मारत्या, और बाकी जो बच्चा से महंगाई ने मारत्या।